गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देख चुके थे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 191 है। ठीक है, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जो लास्ट टॉपिक था आपके वीडियो का, क्लास 12th की जो वीडियो मैंने सेंड की थी, उसी से रिलेटेड फिर से डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पास हो जाती है तो वो अपना रास्ता भटक जाती है, यानी कि अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो कि आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप रिफ्रैक्शन कहाँ देखेंगे? थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि कोई ग्लास प्रिज्म है और किसी ग्लास प्रिज्म से बाहर, ग्लास प्रिज्म के बाहर की तरफ एयर मीडियम होता है, और जब कोई लाइट रे पास होती है तो उस ग्लास प्रिज्म की डेंसिटी के कारण वो लाइट कई डेंसर मीडियम से पास होती हुई कुछ इस तरह से, जैसे ये एयर मीडियम से आई और ये प्रिज्म के अंदर पास होते ही एयर से ग्लास में जाने के कारण मीडियम चेंज हुआ, और हमने पढ़ा है कि ये कहलाता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये कैसे आ रही है, अभी एयर मीडियम से आ रही है और ग्लास में जाकर इसका मीडियम चेंज हो गया, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब ये ग्लास से वापस एयर के अंदर आएगी तो फिर ये मीडियम चेंज हो जाएगा। इसे समझने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपने दो चीज़ें याद रखी होगी। पहला कंसेप्ट आपका है कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से, यहाँ देखिए ये एयर है, ये रेयर मीडियम से ग्लास मतलब डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगा, ये इसका नॉर्मल है, ये वाला एक नॉर्मल बन रहा है और ये नॉर्मल से बेंड हो जाती है, मतलब इसे जाना चाहिए था सीधे और ये क्या हो चुकी है, बेंड मतलब मुड़ गई है, तो वो उसका रास्ता इस तरह से बन जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम में ये ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर के अंदर, एयर में जा रही है, दैट मीन्स क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, और इसका नॉर्मल बनता है यहाँ, दोनों के जो पॉइंट होते हैं उसके जस्ट बीच में, तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से क्या करेगी, दूर हटेगी। ठीक है, तो दूर हटेगी तो क्या होगा, यहाँ से ये नॉर्मल से इस तरफ नीचे की तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, और ज़्यादा डेंसिटी के कारण, ठीक है, क्या होगा, यही वाइट लाइट जब इस एयर से डेंसर मीडियम के अंदर गुजरती जाएगी तो ये अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ये कंसेप्ट किसने समझाया था हमें, न्यूटन ने समझाया था। न्यूटन ने अपने कंसेप्ट में बताया था कि जब कोई लाइट रे, वाइट लाइट बीम, देखिए आप, जब कोई वाइट लाइट बीम है जो एयर से प्रिज्म के अंदर जाती है तो प्रिज्म से गुजरते गुजरते प्रिज्म से बाहर आकर वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह हम स्क्रीन या पर्दे पर ये 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जब ये 7 कलर्स एक प्रॉपर ऑर्डर में कुछ इस तरह से जमे होते हैं कि हमें स्क्रीन पर ये सीक्वेंस में मिलते हैं, तो इन 7 कलर के ग्रुप को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम का जो सीक्वेंस है वो कैसा होता है, विबग्योर, इसको याद रखने के लिए कौन सा पैटर्न याद रखेंगे, कौन सा नेम याद रखेंगे, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, विबग्योर का पैटर्न बनता है, 7 कलर्स हमें मिलते हैं, और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म, यानी किसी वाइट लाइट का प्रिज्म से पास होकर 7 कलर में स्प्लिट हो जाना डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब जिसके अंदर लाइट डिस्पर्स हो गई, डिस्पर्स मतलब फैल गई, फैलना मतलब 7 कलर में टूट गई। और इसी कंसेप्ट से हमें यह समझ आया था कि किसी भी वाइट लाइट के अंदर आपको वाइट दिखाई देगी लेकिन कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं, यही वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जिनका अरेंजमेंट क्या होगा, विबग्योर। अब आप देखिए, हमेशा याद रखिएगा, वॉयलेट कलर नीचे रहता है और रेड कलर ऊपर रहता है। ठीक है, यानी कि विबग्योर में क्या होगा, वॉयलेट कलर नीचे आने का मतलब होता है कि इसे जाना था बिल्कुल सीधे,
बट सीधे ना जाते हुए ये बैंड हो गई, बैंड होकर ये सेवन कलर में टूट गई, यानी कि सबसे नीचे वाला जो कलर होगा वो अपने सीधे वाले रास्ते से सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है। उसी तरह रेड कलर और इसके बीच का एंगल बहुत कम है, देखिए इसका मतलब है रेड कलर में मिनिमम डेविएशन हुआ है और ब्लू कलर में मैक्सिमम डेविएशन हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं यहाँ पर कि ब्लू कलर या सॉरी वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे कम सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर का डेविएशन सबसे लीस्ट या कम डेविएशन होता है। ठीक है, अब न्यूटन ने इसी एक्सपेरिमेंट को रिवर्स में करके देखा। रिवर्स करना दैट मीन्स अगर एक प्रिज्म यहाँ पर ऑलरेडी है तो हमें पता है कि वाइट लाइट बीम जो हमने पास की ये सेवन कलर में स्प्लिट हो गई, तो इसी प्रिज्म को एक और प्रिज्म लेकर इसी साइज का एक प्रिज्म लेंगे और इस प्रिज्म को हम रिवर्स इस तरीके से अरेंज करके देखेंगे और ये सेवन कलर के स्पेक्ट्रम को हम इस प्रिज्म के अंदर एज ए इनपुट देंगे तो आउटपुट में अगेन हमें वाइट लाइट मिल जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाइट लाइट के अंदर सेवन कलर्स होते हैं और जो वाइट लाइट सात कलर में टूटी थी स्प्लिट हुई थी उसे हम प्रिज्म की हेल्प से ही वापस गेन कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको दूसरे प्रिज्म की ज़रूरत है और इसको इस तरह से अरेंज करना होगा। ठीक है, अब आज हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे जो कि आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्काई में रेनबो कैसे दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको रेनबो दिखाई दे रहा है ना, तो आपने देखा होगा जनरली बारिश के टाइम पर ही ये दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रेनफॉल होता है तो एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स बहुत सारी क्वांटिटी में इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे हम वो कह सकते हैं जैसे कि आप नॉर्मली फुहार वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। जैसे यहाँ ये एटमॉस्फेयर अभी बहुत खुला हुआ सा है और जैसे ही बारिश होगी तो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स होती है जो एयर के पार्टिकल के साथ यहाँ वहाँ उड़ती रहती है और एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती है। तो उस समय जब कुछ क्लाउड्स हटते हैं, जब बारिश थोड़ी सी रुकती है या थोड़ा सा बादलों के बीच में गैप बनता है तो सनलाइट उसमें से पास हो जाती है और पास होती होती इस एटमॉस्फेयर की छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स के बीच में से गुजरती है। अब देखिए, जब रेन ड्रॉप्स नहीं है तो नॉर्मली एयर होती है एटमॉस्फेयर में और एयर होती है तो वो कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। लेकिन जब वही लाइट रेज जो सन से पास होती होती अर्थ तक आते आते वो कई सारी छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स में से गुजरती है, यानी कि वो कौन सा मीडियम में से गुजरती है? डेंसर मीडियम से गुजरती है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स इकट्ठी होने के कारण ये वाला मीडियम कैसा हो जाता है, ना एयर ना होते हुए डेंसर वाला बन जाता है। ठीक है, डेंसर मतलब घना, ठीक है, सघन। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो लाइट रे डेंसर मीडियम से गुजरती गुजरती सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको प्रिज्म का समझाया कि प्रिज्म से लाइट पास होते होते डेंसर मीडियम के कारण वो अपने सेवन कलर में स्प्लिट हो गई, तो सेम यही सन से जो लाइट आती है वो इसी मीडियम के अंदर छोटी छोटी रेन ड्रॉप होने से कारण वो सीधी ट्रैवल ना करते हुए कई सारे डेंसर मीडियम से गुजरती गुजरती, क्योंकि इन छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स के बीच में से गुजरती है, वो रेन ड्रॉप्स के अंदर से गुजरती है, तो इन डेंसर मीडियम से पास होती होती वो सेवन कलर में टूट जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये रेनबो बन गया है। ठीक है, तो रेनबो क्या है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में बनता है आफ्टर रेन, हमेशा बारिश होने के बाद छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स के कारण जो मीडियम डेंस होता है उसके कारण बनता है। ठीक है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट के कारण। ठीक, तो हमेशा सन जहाँ होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि सन की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, इस कैमरे की तरफ है, तो सामने की तरफ रेनबो बनेगा क्योंकि जो लाइट आती है वो उसमें से गुजरती गुजरती सामने की तरफ जाती है और रेनबो बनता है। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट है एटमोसफियर में वो प्रिज्म की तरह वर्क कर रही है, प्रिज्म की तरह डेंसर मीडियम बना रही है। ठीक, और इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर हो रहा है और जिसके कारण जो कलर है वो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। अब आप देखेंगे कि जब
ये रेनबो बनता है तो इसका शेप आप हमेशा ऐसा कर्व शेप ही देखेंगे, कुछ इस तरीके से देखेंगे बना हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है? वॉयलेट, अभी जो मैंने आपको समझाया, सॉरी, सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट कलर का हो रहा है और सबसे कम डेविएशन रेड कलर का हो रहा है, जिसके कारण वो कम डेविएशन होने के कारण उसका अरेंजमेंट नीचे की तरफ होता है और सबसे ऊपर उठा हुआ अरेंजमेंट किसका रहेगा? रेड कलर का रहेगा। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल सीक्वेंस में होता है और इसके कारण स्पेक्ट्रम के ज़्यादा या कम डेविएशन के कारण इसका जो शेप होता है वो कर्व शेप होता है। ठीक है, ऐसे तो ये पूरा राउंड बनाते हुए आपको नजर हो आएगा, पर ये नीचे की तरफ आते आते थोड़ा थोड़ा डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये तो रेनबो का दिखना हो गया, ये आपको समझाया है, देखिए यहाँ पर कि ये जब सनलाइट है ऐसी छोटी सी रेन ड्रॉप है, ऐसी कई सारी रेन ड्रॉप है एटमोसफियर में, तो जब वो एयर से इस रेन ड्रॉप के अंदर जाती है, मतलब एयर से डेंसर में जाती है, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, सीधी ना जाते हुए थोड़ी सी मुड़ जाती है और रेन ड्रॉप की जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होकर ये आपकी आंखों तक पहुंचती है, तो अगेन ग्लास से कहाँ जाएगी? एयर के अंदर, सॉरी, वाटर से कहाँ जाएगी? एयर के अंदर, मतलब डेंसर से अगेन रेयर में जा रही है, जिसके कारण वो फिर से अपना पाथ से डेविएट हो जाती है और इस प्रकार वो आपकी आंखों तक पहुंचती है और ये सनलाइट आपको दिखाई देती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमोस्फियर में ऐसा क्या होता है? जैसे ये तो हमारा रीजन है कि जब बारिश होती है और उस टाइम पर, बारिश के टाइम पर कई सारी छोटी छोटी रेनड्रॉप्स के कारण रेनबो दिखाई देता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब, कई बार आपने देखा होगा कि एटमोस्फियर में अर्थ के ऊपर जितनी भी सरफेस में एयर है उनकी भी वन बाय वन लेयर होती है, जैसे कि आयनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, होमोस्फियर, ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर, तो ये अलग अलग डेंसिटी वाले एटमोस्फियर में एयर की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है, कहीं पर एयर ज़्यादा है तो कहीं पर एयर कम है। आप नेचुरली अर्थ से थोड़ा सा ऊपर, मतलब जो आपका एटमोस्फियर है उसी में आप नोटिस करिए कि कहीं हवा बहुत तेज़ी से बहती है, मतलब बहने का कारण है कहीं डेंसिटी ज़्यादा है तो कहीं डेंसिटी कम है, यानी एयर भी पूरे एटमोसफियर में एक जैसी स्प्रेड नहीं है, वो कहीं ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी तो कहीं कम है। तो अब हमें क्या देखना है कि जब स्टार्स से जो लाइट आती है, हमें पता है ना स्टार्स की खुद की लाइट होती है और वो लाइट हमें अर्थ तक दिखाई देती है। अब कुछ स्टार्स जो अर्थ के बहुत पास है उनकी लाइट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है, कुछ जो बहुत दूर है उनकी बहुत कम दिखाई देती है। तो स्टार्स से जो आने वाली लाइट है वो लाइट एयर के कारण, एयर के अलग अलग मीडियम के कारण डेविएट हो जाती है, जैसे कि ये आप बच्चा है अर्थ पर खड़ा है और ये स्टार से आने वाली लाइट है। अब देखो, स्टार से जब लाइट चली थी तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा थी, फिर डेंसिटी कम हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, यानी एयर इस पूरे एटमोसफियर में एक जैसी न होने के कारण लाइट बार बार किसी डेंसर से रेयर में जाती है, फिर रेयर से डेंसर जाती है, फिर डेंसर से रेयर जाती है, फिर रेयर टू डेंसर जाती है, तो इस तरह लगातार वो डेंसिटी को चेंज करती करती डेविएट हो जाती है और डेविएट होकर जहाँ स्टार्स था, जैसे कि ये है स्टार की पोजीशन, तो हमें सीधा ना दिखते हुए ये लाइट रे इतनी डेविएट यहाँ से आते आते, अब देखिए बिल्कुल सीधा एंगल से ऐसे दिखाई देना था तो ये यहाँ ना दिखते हुए धीरे 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 इतना बैंड हो गई कि इसका ओरिजिनल पाथ ये दिखाई दे रहा है, तो स्टार जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा सा अलग हटके दिखाई देता है। साथ ही आपको ये ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा, ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाना। एक क्वेश्चन बनता है कि स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, मतलब टिमटिमाते क्यों हैं? तो वो नहीं टिमटिमाते, वो एक सॉलिड बॉडी, मतलब वो एक ही जगह स्टेशनरी बॉडी है और एक ही जैसी लाइट देती है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कभी ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई या कम हो गई, ठीक है, लगातार एक जैसी लाइट एमिट करते हैं। लेकिन जब ये लाइट रेज है अलग अलग मीडियम से पास होती है, मतलब डेंसर एयर ही है लेकिन एयर की डेंसिटी कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, तो हम ये तो कहेंगे कि वो ज़्यादा डेंसर मीडियम से कम डेंसर मीडियम की ओर पास होती है, फिर कम से ज़्यादा, ऐसे लगातार डेंसिटी चेंज होती रहती है एयर की और लाइट रे अपने पाथ से डेविएट होती रहती है, और जब वो इस बच्चे की या हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देंगे।
ठीक है, क्योंकि इसके बीच की हवाएं वो बहती रहेगी, यहाँ से वहाँ मूव करती रहेगी, तो उस बीच में जो लाइट रे सीधी आ रही है वो कभी ज़्यादा डेंसिटी कभी कम डेंसिटी से पास होती रहेगी, और एयर के इस तरह से मूवमेंट करने के कारण हमें स्टार ट्विंकल करते हुए यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब इसका रीज़न आप लोग बुक से पढ़िएगा, इसका मेन रीज़न मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि अर्थ के एटमोसफियर के कारण रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि स्टार की जो ट्विंकलिंग जो वो एयर की जो डेंसिटी है वो लगातार एटमॉस्फेयर में चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हम स्टार की पोजीशन मतलब जो रहती है वो स्टेशनरी होती है, बट ये हम देख चुके हैं कि अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो उसकी फिजिकल कंडीशन जो अर्थ एटमॉस्फेयर में होती है वो स्टेशनरी नहीं दिखाई देती है, मतलब स्टार एक तरह से ठहरा हुआ है और लाइट एक जैसी पास कर रहा है, लेकिन वो फिर भी हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, उसकी पोजीशन साइज जो है लाइट सोर्स की वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये स्टार ट्विंकल या टिमटिमाते क्यों है उसका रीज़न पता चला है हमें, ठीक। अब यहाँ देखेंगे एडवांस सनराइज और डिलेट सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब होता है कि जब सूर्य उगता है, ठीक है, तो हमें उससे पहले ही उगा हुआ दिखाई देता है, ठीक, लगभग 2 मिनट का डिफरेंस होता है, ये आप याद रखिएगा आपके नॉलेज के लिए, कि जब सनराइज हो रहा होता है, सूर्य उदय हो रहा होता है, ठीक है, तो सूर्य अभी उसकी रियल कंडीशन अर्थ से मान लीजिए आप यहाँ पर है, अर्थ के इस टॉप पर है, ठीक है, तो सनराइज जब हो रहा है तो सन की ओरिजिनल कंडीशन यहाँ है, उससे 2 मिनट के टाइम से ज़्यादा वाली जो पोजीशन होगी वो आपको दिखाई देगी। एडवांस सनराइज का मतलब होता है कि एक्चुअल वो होता नीचे है पर आपको 2 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन लगता है उसे ऊपर जाने में, इतनी ऊपर दिखाई देता है, 2 मिनट का ड्यूरेशन रहता है, तो इसकी जो पोजीशन यहाँ होगी ओरिजिनल वो उससे थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई देगा, इसलिए हम कहते हैं एडवांस सनराइज, जो एक्चुअल हुआ नहीं है लेकिन फिर भी हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। और डिलेट सनसेट का मतलब क्या होता है कि जो सनसेट हो चुका है, अस्त हो चुका है ना, हमारी अर्थ की लोकेशन से वो यहाँ आ चुका है लेकिन फिर भी हमें यहाँ दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर एयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो जब सन से आने वाली जो लाइट होती है वो अलग अलग मीडियम से पास होती हुई हमारे तक पहुँचती है, तो देखिए ओरिजिनल जो रे थी वो ऐसे थी और ये डेविएट होते होते मतलब अपना रास्ता भटकते भटकते इस तरह से, ये देखिए ये जो डैश डैश लाइन दे रखी है अर्थ के आसपास, ये एटमॉस्फेयर है, बाहर तो ये बिल्कुल सीधी चली है लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आई तो धीरे धीरे बैंड होने लगी, और बैंड होते होते इसकी डायरेक्शन इस तरह से मुड़ गई कि जब जो इसे देख रहा है उसको ये इस तरह से आती हुई नज़र आ रही है, तो उसे जो सन यहाँ है वो यहाँ दिखाई देता है, तो इसी कारण हम कहते हैं कि एडवांस सनराइज हो गया, मतलब एक्चुअल सन यहाँ था लेकिन दिखाई ऊपर दे रहा है, किसके कारण, ये अर्थ के आसपास ये जो एटमॉस्फेयर बना है इसके अंदर एयर की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण लाइट जो एक्चुअल बाहर से आ रही है वो डेविएट होती हुई आंखों तक आ रही है, यानी कि जब रास्ता भटक जाती है तो आंखों से हमारे आंखों में बिल्कुल सीधी आती हुई प्रतीत होती है। उसी तरह सनसेट अगर हमें देखना है तो सनसेट एक्चुअल हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां से आने वाली लाइट हमें वहीं से ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, तो सनसेट में वो सन नीचे आ चुका है लेकिन फिर भी हमें वहीं दिखाई दे रहा है, तो यही रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण रेनबो भी दिखाई देता है, और इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण एडवांस सनराइज और डिले सनसेट भी होता है। कितना डिफरेंस आता है, एडवांस मतलब जब सन आपको विजिबल होता है दिखाई देता है तो ये समझिए कि 2 मिनट उससे पीछे की तरफ वो होता है, और डिलेट सनसेट मतलब जब वो अस्त हो रहा होता है तो उसके भी 2 मिनट तक आपको ऊपर ही दिखाई देता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी लाइट का टूटना या स्कैटरिंग मतलब टकरा के इधर उधर चले जाना, ठीक है, तो ये स्कैटरिंग पढ़ेंगे। आज हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के 3 कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा, पहला रेनबो दिखना, दूसरा तारे क्यों टिमटिमाते, और तीसरा है एडवांस सनराइज और डिलेट सनसेट क्या होता है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।